नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ द नेटवर्क और मैं हूँ मिरोज अहमद। नाइट कर्फ्यू पर अनुमंडल प्राधिकारी से सीधी बातचीत। जो अधिकतम आदेश प्राप्त की है उसके अनुसार सभी दुकान प्रतिष्ठान अपराह्न 6 बजे तक बंद हो जाएगी तथा रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में लोग बैठ करके भोजन नहीं करेंगे अपितु उनके द्वारा होम डिलीवरी की जाएगी, टेक अवे सर्विस की जाएगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी लोगों का मास्क पहनना पहले से ही अनिवार्य है। सार्वजनिक स्तर पर किसी प्रकार के आयोजन पर, सार्वजनिक हो अथवा निजी, रोक रहेगी, पूर्णतः रोक रहेगी। दाह संस्कार आदि के लिए 25 व्यक्ति अनुमान होंगे तथा विवाह आदि के लिए 100 व्यक्ति। तो शादी विवाह जो सब होंगे उसके लिए सर क्या आपके यहाँ से कुछ आवेदन लेकर परमिशन लेना होगा? नहीं, परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। थाना में एक सूचना दे दे और अंडरटेकिंग के रूप में कि मेरे द्वारा कोविड 19 गाइडलाइंस का फॉलोअप करेंगे, भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, 100 व्यक्ति अधिकतम है, उसमें सभी लोग शामिल है, वो रसोईया वगैरह सभी लोग। और सर जो कर्फ्यू लगेंगे इसमें सर जैसे कि बारात वरात हो या फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए सर? जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कहते हैं परमिशन रहेगी। जिसको ट्रेन पकड़नी है, हवा एरोप्लेन फ्लाइट पकड़नी है, उन लोगों के लिए बंदिशें नहीं रहेंगी, वो लोग जा सकते। सर, शॉपिंग मॉल की बात सामने आ रही है बंद की, क्या सिवान में उस तरह का शॉपिंग मॉल है? मॉल का डिफिनेशन के अनुसार अगर मॉल होंगे तो वो लागू होंगे, दुकान वगैरह पे लागू नहीं है। अच्छा सर, दुकान का क्या है, दुकान कितने बजे तक बंद? 6 बजे तक बंद हो जाएगी। अब सर मान लीजिए नाइट कर्फ्यू में इस तरह से बेवजह के लोग अगर घूमते पाए जाते हैं तो प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ़?